my message is that we'll be watching you. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोलटाक। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। आज एक लड़की है ग्रेटा थनबर्ग जो चर्चा में है। हालांकि ये कई सालों से चर्चा में है, मगर आज इन्होंने जो किया है उसके वजह से इन्हें सभी खोज रहे हैं और सभी इनके बारे में जानकारी चाह रहे हैं। आपने हमारे सपने, हमारा बचपन अपने खोखले शब्दों से छीना। आपने हमें असफल कर दिया। आप पैसों, आर्थिक विकास की काल्पनिक कथाओं के बारे में बात कर रहे हैं, मगर हम इन सब चीज़ों में नहीं आने वाले हैं। यह कहना था ग्रेटा थनबर्ग का, जो उच्च स्तरीय जलवायु सम्मेलन में शामिल होने अमेरिका पहुंची थी। 19 मार्च 2019 को इस लड़की का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। हालांकि ग्रेटा ने एक जो बड़ा काम किया था वो अगस्त 2018 में उन्होंने स्वीडन संसद के बाहर पर्यावरण के लिए स्ट्राइक की थी, जिसमें उस दौरान लगभग 1,00,000 से अधिक बच्चे आए थे। थनबर्ग ने इसके पहले स्टॉकहोम, हेलसिंकी, ब्रुसेल्स और लंदन के भी कई मंचों पर पर्यावरण के बारे में मुद्दे को उठाया था। 3 जून 2003 को पैदा होने वाली ग्रेटा आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने वो कर दिखाया है जो लगभग 100 साल की उम्र में भी कोई कर नहीं सकता। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पैदा होने वाली ग्रेटा आज एक नया इतिहास रख चुकी हैं, एक भूगोल बदल चुकी हैं, एक कथा बन चुकी हैं, एक कहानी बन चुकी हैं। लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ग्रेटा थनबर्ग हैं कौन। ग्रेटा ने 9 साल की उम्र में भी बड़े काम किए थे। जब ये कक्षा 3 में पढ़ रही थी तो इन्होंने उस दौरान कई मंचों पर जाकर के पर्यावरण के बारे में बोला था। हालांकि वे 1 साल से पढ़ाई नहीं कर रही हैं। उन्होंने पर्यावरण के लिए मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को भी एक वीडियो भेजा था। हालांकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रेटा थनबर्ग का वीडियो शेयर करके लिखा है कि इनका भविष्य उज्ज्वल है और ये बहुत आगे तक जाएंगी। इनको हमें समझना चाहिए। ग्रेटा के जो बहन हैं, ये 2 बहनें हैं और दूसरी बहन ऑटिज्म से पीड़ित हैं। ग्रेटा के पिता अभिनेता और लेखक हैं सावंते थनबर्ग, और माता इनकी जो है वो गायिका है, अपेरा थनबर्ग जो है वो गायिका है। ग्रेटा ने आज वो काम किया है जिससे लोग ग्रेटा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर ग्रेटा को 2019 में 16 साल की उम्र में नोबेल का पुरस्कार मिल जाता है तो ग्रेटा ऐसा करने वाली पहली लड़की बनेंगी, क्योंकि 17 साल की उम्र में इसके पहले मलाला विजयी को मिल चुका है। शांति के पुरस्कार के लिए इनके नाम की नॉमिनेशन हुआ था। अभी देखने वाली बात होती है क्या इन्हें मिलता है। हालांकि पिछले दिनों अभी जब डोनाल्ड ट्रंप से उनसे शांति पुरस्कार के बारे में बात किया गया तो उन्होंने इसे इनकार कर दिया। तो हम फिर चर्चा करते हैं 16 साल के ग्रेटा थनबर्ग की, जिन्होंने पर्यावरण के बारे में जितनी बातें कही हैं वो वाकई बहुत ही दमदार और काबिले तारीफ है। तो स्वीडन की यह 16 साल की लड़की आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। दो बहनें हैं ये। एक बहन इनकी ऑटिज्म से पीड़ित है, माँ इनकी गायिका है, पिता लेखक हैं और ये लगातार क्लाइमेट को लेकर के काम कर रही हैं। दुनिया में जाती हैं, कई सारे जगहों पर इन्होंने अपना भाषण दिया है, और जब इनके साथ 1,00,000 बच्चे जब कक्षा 3 में पढ़ती थी तो जुट गए थे, तभी से माना जा रहा था ग्रेटा बहादुर और बड़ी होंगी। तो देखते रहिए पोलटेक खास रिपोर्ट। अच्छा लगे लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।